Hello and you're watching Claptrap. We're back again. Today we are at Furniture Dad and M Studio together. Yes, we are at Gurugram. And the studios actually are already known to you. One of our most favorite ones. We will shoot the entire video in one section, but you'll get to see in two sections. So we'll cover dining tables in this video. But before we begin the video, we tell you that we met one of our subscribers there. Unse sunte hain ki unhone kya kaha. Good evening, I'm Swati Rawat this side and I am a proud owner of a new home in Noida. Now when we decided about buying new furniture for our new home, we just looked at a few videos on YouTube and I came across this video on Claptrap and it gave me a good view of all the furniture which is available over here at M Studio in Gurgaon. And I really liked the video and on coming over here, we found the exact furniture that we were looking for and I'm fully satisfied by the videos that have been uploaded by Claptrap and I really recommend that all of you as well should have a look at these videos before you plan buying your furniture. Thanks. Hello Manishji. Hello sir, how are you? Good, how are you? Very good sir. Manishji, aapke introduction ki actually zarurat nahi hai. मैंने फिर भी यहाँ से शुरू किया क्योंकि ये क्लैपट्रैप का ट्रेडिशन है जी। यहाँ से ही हम हमेशा स्टार्ट करते हैं तो जो लोग जानते हैं मोस्टली लोग जानते हैं फिर भी पीपल दोज़ हु डोंट नो उनको एक बार क्विकली बता दीजिए कि स्टोर का नाम और लोकेशन स्टोर का नाम है फर्नीचर डैड लोकेशन है जेएमडी रीजन आर्केड मॉल ये एमजी रोड गुड़गांव में लोकेटेड है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है और ये दिल्ली एनसीआर के हब के अंदर आता है प्रॉपरली फर्नीचर डैड फर्नीचर डैड ओके हालांकि हमारे दो ब्रांड है फर्नीचर डैड और एम स्टूडियो फिलहाल हम अभी फर्नीचर डैड के अंदर खड़े हुए हैं ऑलराइट और जो दूसरा वाला एम स्टूडियो वहां पे हम सॉलिड वुड फर्नीचर में डील करते हैं एम स्टूडियो के अंदर हमारा सारा जो है सॉलिड वुड फर्नीचर के अंदर होता है और यहाँ पे हमारा मोस्टली इम्पोर्टेड फर्नीचर है और हमारा सारा यहाँ पे लग्जरी आइटम ओके हाँ जी ठीक है स्ट्रेट लाइन फर्नीचर यहाँ पे ज्यादा हाँ जी ऑल राइट ठीक है एक दिन वहाँ पे भी चलेंगे आज के वीडियो में आप हमें क्या बता रहे हैं आज के वीडियो में आपको मैं कुछ डाइनिंग टेबल के साथ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ ओके कि किस तरह गुड़गांव नोएडा जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लैट्स के अंदर लोग शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे लोगों को सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल चाहिए लेकिन बहुत बड़ा नहीं चाहिए और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए कुछ डिजाइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मार्बल टॉप के अंदर एंड कुछ आपको दिखा रहा हूँ कैसे मार्बल टॉप और मेटल फ्रेम के साथ कॉम्बिनेशन आजकल बन के आ रहे हैं मार्केट के अंदर ठीक है कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाइए क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मतलब दिस इज व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग कि लोग डाइनिंग को ना सेकेंडरी मानते हैं सोफा इज प्राइमरी एंड देन दी डाइनिंग आई बिलीव डाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे पूरी फैमिली बैठती है जहां पे यू हैव डिनर और लंच टुगेदर विद योर फैमिली मेंबर्स और वो कंफर्टेबल हो कोजी और दिखने में भी अच्छा हो उसमें एक वैल्यू एडिशन भी हो व्हेन इट कम्स टू द इंटीरियर डिजाइनिंग अगर इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से या डाइनिंग टेबल अगर आपने बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट में लिया हुआ है और आपको एक्चुअली में इफ यू लव योर प्रोडक्ट अगर आपको आपके प्रोडक्ट के साथ प्यार है तो आप डेफिनेटली वहां जाओगे बैठोगे उस प्रोडक्ट के ऊपर आप उसको फील करना चाहोगे डाइनिंग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आज की फास्ट लाइफ के अंदर मे बी शायद आपको लंच करने का इकट्ठा मौका ना मिले लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर एक ऐसी चीज है फिर भी हम लोग चाहते हैं कि इकट्ठे बैठ के कर लें जी जी अपार्ट फ्रॉम दैट डाइनिंग टेबल के अंदर एक ये भी हमारे इंडियन कल्चर के अंदर यह है कि डाइनिंग टेबल के अंदर आज के टाइम पे पांच छह लोग इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी हमारे को सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल हमारे की रिक्वायरमेंट होती है right, कोई भी दो सीटर डाइनिंग टेबल नहीं मिलता क्योंकि एंड में गेस्ट आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं तो आपको उनको बिठाना होता है प्रॉपरली आपको उनको सर्व करना होता है पर साथ में लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं ज्यादा बड़ा डाइनिंग टेबल भी ना लूं सो डेट मेरी जगह ज्यादा घिरे ना राइट वी हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस टू न्यू मॉडल्स यहाँ के अंदर हम सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है ज्यादा बड़ा नहीं है ज्यादा आप कह सकते हो एक्सपेंसिव नहीं है okay. लेकिन प्रॉपर सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनफैक्ट मैंने okay. में लगा भी दिया ओके ठीक है अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल अच्छा इस डाइनिंग टेबल को मैंने जो नाम दिया हुआ है वो पेंसिल लेग डाइनिंग टेबल दिया हुआ है पेंसिल लेग क्यों दिया हुआ है क्योंकि इसके अगर आप पैर देखेंगे ना तो इसके पैर बिल्कुल पेंसिल की तरह बने हुए हैं ऊपर से थोड़े ब्रॉड हैं और आगे जाके थोड़े से शार्प हो जाते हैं एंड आपको कैसा लग रहा था वुडन कैसा लग रहा है आपको ये वाला वेरी ब्यूटीफुल ये कौन सा वुड है सर ये वुड नहीं है सर तो ये क्या है ये सब मेटल है ये मेटल के अंदर बना हुआ है ये वुड नहीं है इसकी चेयर भी मेटल की है क्या बात कर रहे हैं ये लग रहा आपको लकड़ी के टेक्सचर के साथ की हाँ ये लकड़ी के अंदर बट हाउ इज इट पॉसिबल ये कौन सा ये आयरन है क्या सर ये रॉट आयरन नहीं है ये पूरा प्रॉपर एसएस के अंदर बना हुआ है
तो इसकी एसएस के ऊपर पॉलिश हो जाती है? एसएस के ऊपर हमने पॉलिश करी हुई है। मुझे लगा वुड है एक्चुअली, मैंने आते से नोटिस भी किया था ये। हाँ। कि बड़ा बहुत अच्छा फाइन वर्क है, लुक एट दी सेट ऑफ लेग्स, सबको साथ में देखें एक बार। हाँ जी। क्या फील दे रहा है ये, क्योंकि हम 360 डिग्री इसलिए दिखाते हैं मनीष जी डाइनिंग टेबल्स को, क्योंकि हमेशा सेंटर में होती है जी, तो इसको हर एंगल से अच्छा दिखना जरूरी होता है। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट द लेग्स। मैं एक तो कह रहा था कि आपने लेग्स देख लिए, पूरा फ्रेम देख लिए, पूरा फ्रेम मेटल के अंदर बना हुआ है, प्रॉपर सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है। नॉर्मली आपको एक डाइनिंग टेबल के लिए आपको 36 इंच की जगह चाहिए होती है, और ये पूरी 36 इंच की जगह जो इसकी विड्थ है वो पूरी कवर करते हैं। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक? हाँ। ओके। इसके ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है ये इम्पोर्टेड मार्बल लगा हुआ है, ये कभी भी कोई गर्म चीज रखने से या कुछ दाल या सब्जी गिरने से खराब नहीं होते हैं। अच्छा। एवरी प्रोडक्ट नीड अ मेंटेनेंस। अच्छा, ये इसको आप डायरेक्ट पैन रख सकते हैं इसके ऊपर? ये डायरेक्ट मतलब कि अगर आप अच्छा आपको बॉइलिंग से नहीं होना चाहिए कि आपने कुकर को उतारा फिर उसके ऊपर रख दिया। राइट राइट। लेकिन जो हमारा रेगुलर जितना हमें यूज करने के हिसाब से जितना हम कंज्यूम करते हैं वो टेम्परेचर, उतना वो टेम्परेचर रख सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। इसके अंदर छह चेयरें मैंने इसके ऊपर लगाई हुई है। सर एक चीज और, सर स्क्रैच का कैसे करेंगे इस पे? स्क्रैच आएगा कटलरी? है नहीं सर, कुछ स्क्रैच ही नहीं था इसके अंदर, क्योंकि क्रॉकरी कटलरी थोड़ा कुछ होता नहीं है, रफ एंड टफ प्रोडक्ट है, रफ एंड टफ प्रोडक्ट है। ओके। मैं बार बार बोलता हूँ कि चाहे रफ एंड टफ प्रोडक्ट हो या बहुत डेलिकेट प्रोडक्ट हो, फिर भी थोड़ा केयर करना, मेंटेनेंस हर चीज की बहुत जरूरी है। ओके, बहुत जरूरी है। बिफोर वी गो टू द चेयर सर, इसकी लेंथ और बता दीजिए एक बार। ये लेंथ में है आपका 36 बाय 60 इंच। 36 बाय 16, यानी कि ये 3 बाय 5 फीट के अंदर बना हुआ है। ओके। प्रॉपर सिक्स सीटर बना हुआ है। बहुत हाई चेयर्स नहीं बनाई हुई है, चेयर्स की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट डाइनिंग टेबल से थोड़ी सी ऊंची रखी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि घरों के अंदर आपका एक डाइनिंग एरिया होता है, फिर उसके बाद आपका किचन होता है, और किचन के स्लैब वगैरह के हिसाब से करा हुआ है कि एक तरफ आपका लिविंग एरिया होता है। Exactly. तो जब आप लिविंग एरिया में बैठे हैं तो आपकी डाइनिंग चेयर बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए, राइट राइट, ताकि आपका व्यू ब्लॉक ना हो। तो बेसिकली आपने स्टार्ट ही वैसे किया था कि कॉम्पैक्ट घर के अंदर चाहिए, तो कॉम्पैक्ट घर के अंदर बहुत हाई बैक चेयर्स जो है वो बहुत डाइनिंग में अच्छी लगेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, उसका बहुत भरा भरा लगता है। राइट राइट। तो वो हमने कोशिश करी है कि हम इतनी ऐसी चेयर बनाए जो बैठने में कम्फर्टेबल हो, जो बैठने में कम्फर्टेबल हो, और जो इसका पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। ये पूरा 100% क्वालिटेड है? ये 100% क्वालिटेड हो रहा है, ये प्योर लेदराइट के अंदर बना हुआ है। ओके। इसके अंदर अगर आप इसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये पानी नीचे गिर जाएगा। अच्छा। ओके। अगर आप इसके अंदर जैसे नॉर्मल होता है कि आप कोई फैब्रिक के ऊपर पानी डालते हैं तो इमीडिएटली पानी सक कर लेता है, इसमें वो चीज नहीं है, आप पानी डालेंगे पानी नीचे गिर जाएगा। अच्छा। ओके। इजी टू क्लीन है, इजी टू मेंटेन है, एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ओके। इसमें मनीष जी एक चीज है, क्योंकि इसके ऊपर ये आपने बताया कि ये एरिया है डाइनिंग के, बाद में लोग अक्सर चेयर्स को पुश करते हैं या पुल करते हैं जी, तो यहाँ पे गंदा होने के चांसेस होते हैं, इज इट इजी टू मेंटेन, साफ हो जाएगा वो? जी सर, ये अगर आप इसको रेगुलर हमारे घर में जो एक आई थिंक सबके घरों में होता है कॉलिन करके एक केमिकल आता है, राइट, आप कॉलिन से उसको स्प्रे करके अगर आप वेट वाइप करेंगे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा सर वाला। ओके, परफेक्ट। ठीक है, एक बार इसकी स्टिचिंग चेक कर लें। ऑलराइट, स्टिचिंग इसकी अच्छा है, बहुत अच्छा स्टिचिंग किया हुआ है इसमें, धागे एक्चुअली इससे थोड़ा जज किया जाता है क्वालिटी को, सारे एकदम बराबर हैं और एकदम लाइन में। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज सर, डाइनिंग टेबल के अंदर देयर इज नो शार्प एजेस। अच्छा, ये देयर इज नो शार्प एजेस। अच्छा, कूल। अच्छा, ये मेटल है लेकिन ये शार्प एज नहीं है, बहुत सॉफ्ट है ये, तो किसी तरह की प्रॉपर इसको शार्प नहीं कर रखा है यहाँ पे, जैसे नॉर्मली होते हैं लकड़ी के जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा कोना निकला होता है, इसके अंदर क्या कि कोई शार्प एज नहीं है। ओके। शार्प एज न होने की वजह से भी एक तरह से जैसे घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो भी टेबल की हाइट के ही होते हैं 3 साल, तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि उनको चोट ना लगे, right, किसी तरह के नुकसान ना हो, वो चीज भी कोशिश करी है कि वो चीज भी जितना हम उस परेशानी को मिनिमाइज करने के लिए हमने इसको जो है बनाया हुआ है। राइट राइट। प्रोडक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट बात, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता है कौन सा होता है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका प्राइस कितना है। सर प्लीज टेल अस, मिस्ट्री बहुत हो गई। सर ये जो हमारा गिवन प्राइस है वो 60,000 पे है, लेकिन हम इसको डिस्काउंट करके जो है 54,000 का सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल देते हैं, इंक्लूडिंग मार्बल। एमआरपी आपने बताया 60,000 है? हाँ जी। एंड यू गेट इट फॉर, यू सेल इट फॉर हाउ मच? 54,000। नहीं बोला मुझे इसमें किसी तरह की कस्टमाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि
दिस इज मेड एक्चुअली परफेक्ट सॉल्व हो रहा है आपका राइट राइट मतलब कस्टमाइजेशन जहाँ पे ज्यादातर लोगों को जरूरत पड़ती है वो पड़ती है कि मुझे चेयर का कपड़ा चेंज करा दो या मुझे थोड़ा सा डिजाइन में चेंजेस कर दो कपड़ा भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मैंने एक न्यूट्रल कलर लगाया हुआ है जो किसी भी दीवार के साथ मैच कर रहा है राइट राइट एक बहुत पेस्टल शेड लगाया हुआ है हां बहुत न्यूट्रल कलर लगाया हुआ है सो 54000 रुपीस आफ्टर डिस्काउंट अदरवाइज एमआरपी वाज 60000 रुपीस बिल्कुल ठीक है वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ हां जी ऑलराइट उसी के साथ का सर सेम पैटर्न के अंदर एक ओके एक ये है डाइनिंग टेबल हमने और किया हुआ है ऑलराइट ओके ये थोड़ा डिफरेंट टॉप है इसका ये कौन सा मार्बल है सर ये भी इम्पोर्टेंट मार्बल ही है ओके इसके अंदर क्या पर्पस हमने इसके अंदर क्या चेंजेस करे हमने बताए थे इसके अंदर हमारा वो पेंसिल वाला सिस्टम नहीं है पर हमने प्रॉपर इसकी वुडन की लेग बनाई हुई है अच्छा ये वुड है ये वुड है इसको भी टेस्ट कराई हाँ ये वुड है लेकिन इसकी चेयर जो है वो मेटल के अंदर अच्छा वो मेटल में वो मेटल के अंदर ऐसा क्यों कॉम्बिनेशन बनाए अच्छा कोशिश करिए डिफरेंट करने की अगेन कोई शार्प एज नहीं है आराम से नीटली फिनिश हो रखा है ओके ये डार्क ब्राउन कलर में है ये डार्क ब्राउन कलर के अंदर है हम नॉर्मली इस टेक्सचर को बोलते हैं कि जो टेक्सचर है क्लाउड टेक्सचर है बादलों की तरह है इसका मार्बल कलर आप देखेंगे ना ओके तो बादलों की तरह बना हुआ है अच्छा ये जो है ये भी कुछ मार्बल है नेचुरल मार्बल है ये जी ये भी मार्बल है टेक्सचर है उसका अपना नेचुरल टेक्सचर है उसके ऊपर नेचुरल टेक्सचर है मार्बल के अंदर इसके अंदर और आप देख सकते हैं मनी जी इसमें सॉरी ये थोड़ा ग्लिटर भी है ना ये छोटे छोटे देखिए ये दिख रहा है ये भी नेचुरल है इसमें ये सब नेचुरल है ओके अब इसकी अच्छी बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा नहीं है पर सिक्स सीटर है अच्छा कॉम्पैक्ट है कॉम्पैक्ट है सिक्स सीटर है बहुत बड़ा नहीं है अगर आप चेयर्स के अंदर ध्यान से देखेंगे तो चेयर्स के अंदर सारा क्विल्टिंग का वर्क हो रखा है अच्छा ये भी 100% क्विल्टेड ये सारा क्विल्टिंग का काम हो रखा है एक तरह से अगर आप फील करके देखिए आपको पता चलेगा एंड अगर आप इसका स्टिचिंग पार्ट देखेंगे सर जो आप हमेशा देखते हैं कि स्टिचिंग पार्ट कैसा हो रखा है स्टिचिंग पार्ट देखेंगे तो काफी नीट एंड क्लीन हो रखा है एग्जैक्टली पूरा एक ना एक सिमेट्री है उसका एक ऑर्डर है पूरा क्योंकि सर ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में बना हुआ है अच्छा ऑलराइट ये जो पैटर्न बना हुआ है ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी ओके इससे बड़ा फर्क पड़ता है सर कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में तो आपको पता ही है कि सिमेट्री बहुत अच्छी आती है जी ऑलराइट ये पूरा 100% क्विल्टेड है बैक से भी एक बार दूर नहीं ये फ्रंट की क्विल्टिंग है क्योंकि फ्रंट में एक पैटर्न है क्योंकि नॉर्मली आप अगर किसी भी डाइनिंग टेबल को देखेंगे तो आपको फ्रंट पहले दिखता है हाई बैक नहीं करा हुआ है लो है के अंदर है नॉर्मली 3x5 यानी 60x36 इंचेस का इसका साइज बना हुआ है ओके डबल शेड करा हुआ है बेस हमने व्हाइट करा हुआ है लेग्स हमने ब्लैक करी हुई है हमने लेदर वेट लगाया ये ब्लैक है मनीष आई थॉट इट वाज ब्राउन नहीं ये आप ब्लैक कह लीजिए ब्राउन कह लीजिए पर ये है वॉलनट फिनिश के अंदर ही आता अच्छा वॉलनट फिनिश में ओके उसी से मैचिंग उसके चेयर है उसी के मैचिंग उसके चेयर ओके ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा एमआरपी 66000 है लेकिन हम ये डिस्काउंट करके 60000 का फैक्ट्री कर रहे हैं 66000 का है एमआरपी और हमको मिल रहा है कितने में 60000 रुपए में 60000 आपको ऑलराइट इसके अंदर इन दोनों प्रोडक्ट में किसी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं है क्योंकि दोनों इम्पोर्टेड रेडी टू डिलीवरी प्रोडक्ट है आप जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसके 4-5 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो 4-5 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर ओके और डिलीवरी अच्छा इसके और पीसेस भी हैं अगर कितने पीसेस होंगे इसके अपने पास स्टॉक तो हमारे पास स्टॉक है आपके पास कंटेनर है हमारे पास ओके मतलब ये इशू नहीं है कि एक गया तो फिर दोबारा मिलेगा ठीक है पूरा है ऑलराइट और हर चीज हर पीस जो है आपको सेम मिलेगा ओके अच्छा हर पीस आपको सेम मिलेगा हाँ थोड़ा स्टोन के टेक्सचर में थोड़ा फर्क होगा क्योंकि वो नेचुरल है वो टेक्सचर में थोड़ा फर्क आ सकता है लेकिन ओवरऑल जो गेटअप आएगा लुक आएगी वो सेम आएगा बिल्कुल ठीक है और हमारा जो स्टोर है फर्नीचर डैडी कितना ऑल डेज ओपन है 7 डेज ओपन है टाइमिंग क्या है इसकी सर 11 to 9 एवरी डे चलिए ठीक है एक छोटा सा पॉज लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे मैं आपको दिखाता हूं कुछ नहीं आता रहेगा ऑलराइट ओके टेक केयर बाय बाय थैंक यू सर